हाय हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे और एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे होंगे। जितने भी आने वाले एग्ज़ाम हैं, चाहे अभी आपका DGS गया हो या MP जुडिशरी आ रहा हो, आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। नहीं चल रही है तो कोशिश कीजिए कि आप और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ताकि आप जल्द से जल्द अपने एग्ज़ाम क्लियर कर सकें, चाहे कोई जुडिशरी का एग्ज़ाम हो या AP का एग्ज़ाम हो या कोई और एग्ज़ाम हो। और ये जो हम MCQs कर रहे हैं, आपके सभी एग्जाम्स के अंदर हेल्प करेंगे। आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे, उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि अगर आप अपनी जुडिशरी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म को भी यूज़ कर सकते हैं अपनी जुडिशरी की प्रिपरेशन करने के लिए। लेट्स क्रैक PCSJ विद अनअकैडमी, एनरोल फॉर फ्री टुडे, यूज़ कोड कुशांग फॉर 10% ऑफ। तो यहाँ पे आप एनरोल कर सकते हैं, और अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे तो आप फ्री क्लासेस के लिए एनरोल कर सकते हैं, जहाँ पे कुछ ना कुछ MCQs या मॉक टेस्ट या इस तरीके की क्लासेस मैं भी लेता हूँ। तो उसके लिए आप एनरोल कर सकते हैं मेरा कोड यूज़ करके कुशांग। और अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहेंगे तो उसके लिए भी आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं कुशांग। और अनअकैडमी गोल, अचीव योर एग्ज़ाम गोल विद 20% ऑफ एंड ऑल सब्सक्रिप्शन। तो 30 अप्रैल तक अभी आपको 20% ऑफ मिलेगा अगर आप अपनी सब्सक्रिप्शन के लिए अप्लाई करते हैं। तो ये अमाउंट है, अभी आपको ये 20% ऑफ करके मिल रहा है। कम्पीट विथ थाउजेंड ऑफ एस्पिरेंट एंड स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड, फ्री स्पेशल क्लासेस एवरी डे, बूस्ट योर PCSJ प्रिपरेशन विद टॉप एजुकेटर्स विद फ्री लाइव क्लासेस। ये सारे टॉपिक जितने भी हमारे एग्जाम्स में आते हैं लॉ से रिलेटेड, सब कुछ सबकी क्लासेस फ्री में भी होती हैं। तो आप मेरा कोड यूज़ कीजिए KUSHANK एंड एक्सेस दीज क्लासेस फॉर फ्री नाउ। स्पेशल क्लासेस फीचर्स, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, कॉल्स फॉर लर्नर्स, रेज अ हैंड, नेवर मिस अ क्लास, लेक्चर नोट्स, एनी टाइम एनी वेयर यू कैन अटेंड योर क्लास, देन प्लस सब्सक्रिप्शन एक्सेस, इंडिया बेस्ट एजुकेटर्स, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज, स्ट्रक्चर कोर्सेज एंड PDFs, एक्सपर्ट गाइडेंस फॉर योर जुडिशरी एग्जाम 2022-23 प्रिपरेशन। दीज आर दी बैचेज जो अभी स्टार्ट हुए हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस। देन जुडिशरी मीन्स टेस्ट सीरीज, तो ये तो हो चुका है आपका 24 अप्रैल तक। देन एक्सपर्ट गाइडेंस फॉर योर जुडिशरी 2022-23 प्रिपरेशन, दीज आर दी बैचेस। इनमें से कोई बैचेज आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। देन एलिवेट योर जुडिशरी एग्जाम प्रिपरेशन विद दीज फ्री टेस्ट सीरीज। तो ये टेस्ट सीरीज हैं जो आपकी हर एक दिन किसी ना किसी टॉपिक के ऊपर टेस्ट होते हैं, इनके भी आप एक्सेस कर सकते हो, एनरोल कर सकते हो इनको भी। और इसके लिए भी आपको मेरा कोड यूज़ करना पड़ेगा कुशांग, एंड देन यू कैन एक्सेस दीज टेस्ट। देन नाउ नो डाउट इज सिली विद 1:1 लाइव मेंटोरशिप प्रोग्राम, बुक योर सेशन नाउ, गेट सोल्यूशन फ्रॉम एक्सपर्ट्स। तो ये 1:1 लाइव मेंटोरशिप है। जुडिशी आइकॉनिक नाउ लाइव, लाइव डाउट सॉल्विंग, 1:1 लाइव मेंटोरशिप, मेन्स फोकस टेस्ट सीरीज, ऑल बेनिफिट्स ऑफ प्लस। देन दीज आर द ऑफिशियल हैंडल्स ऑफ अनअकेडमी, यूट्यूब के ऊपर अनअकेडमी जुडिशी एंड टेलीग्राम के ऊपर UNA जुडिशी। नाउ लेट्स कम टू आर MCQs ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और हम इनको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच केस इट वॉज हेल्ड बाई सुप्रीम कोर्ट दैट द प्रियम्बल इज द बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो बहुत ही मतलब पहला ही क्वेश्चन हम यही पढ़ते हैं कि कौन से केस के अंदर ये बात बोली गई थी कि प्रियम्बल जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो ये बात कौन से केस के अंदर बोली गई थी, केशवानंदा भारती बोली गई थी। पहले केस में मना किया गया था, जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, तो वहाँ पे आपको बताना होगा किसमें मना किया गया। फिर उससे जो अगला केस आया, उसके अंदर ये कंफर्म किया गया कि जो प्रियम्बल है वो बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि हमें केशवानंदा भारती केस के अंदर बोला गया। देन सेकेंड क्वेश्चन आता है, इन विच केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपको फर्स्ट आता है तो यानी आपको सेकेंड भी आता है। इसका आंसर क्या होगा, बेरूबरी केस है ना, फेमस केस है। जब हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं सबसे पहले यही पढ़ते हैं। देन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड बाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कौन सी डेट के ऊपर अडॉप्ट किया था। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, और इससे सही आंसर कौन सा है, 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया NBCS दैट, कि जो हमारा प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या NBCS करता है, इट शेल स्टैंड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट कुड बी एब्रोगेटेड और वाइप आउट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, इट डज नॉट एक्नॉलेज, रिकोगनाइज और प्रोक्लेम एनीथिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, इट हैज अ सेपरेट एंटिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इट शेल स्टैंड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। द वर्ड सोशलिस्ट, सेकुलर एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन वर मेड टू आर कॉन्स्टिट्यूशन बाय, कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू हमने ये तीन वर्ड सोशलिस्ट, सेकुलर एंड यूनिटी, इंटीग्रिटी, ये सारे वर्ड्स जो हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, या आप कह सकते हो प्रियम्बल के अंदर एड ऑन किए थे। तो
तो ये जो वर्ड्स थे हमने कौन सी अमेंडमेंट के अंदर ऐड ऑन किए थे, ये हमने 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड ऑन किए थे, तो इसका आंसर ए होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है हमें ये बताना है। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन नॉट बी अमेंडेड। प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन बी अमेंडेड ओनली इफ नो चेंज इन द बेसिक स्ट्रक्चर इज मेड। तो ये हमें पढ़ के ही ठीक लग रहा है कि ये हमारे पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है और इसको हम चेंज नहीं कर सकते अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे हैं उसके अंदर जो बेसिक चीज़ है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 7, द प्रियम्बल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज सॉलेमनली रिजॉल्व टू सिक्योर टू इट्स पीपल जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप एंड इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। तो मुझे लगता है ऑप्शन ए पढ़ने के बाद हमें आगे चलने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए ही ठीक है। द सॉलेमन रेजोल्यूशन इन प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड इन द नेम ऑफ, ये जो रेजोल्यूशन हम लेते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया किसके नाम पे ले रहे हैं, तो सीधी सी बात है वी द पीपल ऑफ इंडिया यानी कि हम किसके नाम पे ले रहे हैं, पीपल ऑफ इंडिया के नाम पे ले रहे हैं, तो इसका आंसर ए होगा। द प्रियम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोक्लेम्स दैट वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव एस्टेब्लिश्ड। तो प्रियम्बल हमें क्या बोलता है, तो यानी कि आपको ना प्रियम्बल जो है ना उसको याद एक बारी कर लेना है, मतलब कोई और चीज़ याद करो ना करो, जैसे एक होता है ना कि हमें याद है प्रियम्बल, हम किसी को बता सकते हैं, तो उस तरीके से आप याद कर सकते हो, आपको एग्ज़ाम में भी हेल्प करेगा और वैसे भी आप यूज़ कर सकते हो उसको। ठीक है, द वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव एस्टेब्लिश, क्या चीज़ हमने एस्टेब्लिश किया, कौन से वर्ड यूज़ होते हैं, तो वी हैव एस्टेब्लिश सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। तो यहाँ पे इसका आंसर ए होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, तो इन चारों में से द प्रियम्बल एन्यूमरेट द पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव दैट द लेजिस्लेशन इंटेंडेड टू अचीव, तो इसका आंसर ए ही ठीक है। ठीक है, देन 11th पे आते हैं, द वर्ड सोशलिस्ट इन प्रियम्बल एम्स टू एलिमिनेट इनइक्वालिटी इन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेटस, एलिमिनेट इनइक्वालिटी इन पॉलिटिकल एंड रिलीजियस अफेयर्स, एलिमिनेट इनइक्वालिटी इन इनकम एंड स्टेटस एंड स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, या एलिमिनेट क्लास बेस्ड सोसाइटी। तो ये जो सोशलिस्ट वर्ड है किस तरीके की इनइक्वालिटी को हटाना चाहता है, तो सीधी सी बात है ये इनकम एंड स्टेटस एंड स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ की इनक्वालिटी को वो ये वर्ड हटाना चाहता है। देन इन केस ऑफ गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब इट वॉज रिमार्क दैट आर प्रियम्बल कंटेन्स इन अ नट शेल इट डील्स एंड एस्पिरेशंस, हु वॉज द जज। तो ये जो गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस है जिसके अंदर ये रिमार्क दिया गया कि प्रियम्बल कंटेन्स इन नट शेल द आइडियल्स एंड एस्पिरेशंस, तो ये जो रिमार्क है कौन से जज ने दिया था, जस्टिस मैथ्यू, जस्टिस कृष्णा अय्यर, जस्टिस सुब्बा राव या जस्टिस HR खन्ना। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, जस्टिस सुब्बा राव ने ये रिमार्क दिया था, तो इसका आंसर सी होगा। द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, सी राजगोपालचारी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पे आपको याद रखना है एक हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन हैं और एक हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन है, तो दोनों में फ़र्क है और दोनों के जो चेयरमैन है वो अलग अलग हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन थे वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर BR अंबेडकर। तो ये दोनों में फ़र्क है, ये दोनों आपको माइंड में रखना है कि वो किस चीज़ के चेयरमैन के बारे में पूछ रहे हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी के पूछ रहे हैं या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पूछ रहे हैं। देन फ्रेटर्निटी मीन्स अ सेंस ऑफ कॉमन ब्रदरहुड टू ऑल इंडियंस एंड इज द प्रिंसिपल विच गिव यूनिटी एंड सॉलिडिटी टू सोशल लाइफ, इट वॉज सेड बाय। तो ये जो फ्रेटर्निटी के लिए ये बात बोली गई कि एक सेंस ऑफ कॉमन ब्रदरहुड है सभी इंडियंस के बीच में, ये प्रिंसिपल या ये रिमार्क किसने दिया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या सी राजगोपालचारी। तो ये जो रिमार्क है किसने दिया था, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने दिया था। विच ऑफ द पेयर्स इज करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच है, तो रीड करोगे तो सीधी सी बात है डी वाला जो है वो सही से मैच है कि स्टेट जो है बिना किसी खुद के रिलीजन के, कि खुद का कोई रिलीजन नहीं होगा स्टेट का। देन यहाँ पे ये रिमार्क किसने दिया था, कौन से केस के अंदर दिया था, जस्टिस सीकरी ने, कि प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑफ एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस एंड द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रीड एंड इंटरप्रिटेड इन लाइट ऑफ द ग्रैंड एंड नोबल विजन एक्सप्रेस इन द प्रियम्बल। जस्टिस सीकरी एक्सप्रेस द अब ओपिनियन इन केस ऑफ री बरूबरी यूनियन, केशवानंदा भारती, AK गोपालन या री केरला एजुकेशन बिल। तो ये जो ओपिनियन था या ये जो कमेंट था ये कौन से केस के अंदर दिया गया था, केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में दिया गया था। देन इन अकॉर्डेंस विद द टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया कैन बी इम्पोज ऑन द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मूव फ्रीली,
रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी कैरी ऑन ऑक्यूपेशन। तो ये जो आपका रेस्ट्रिक्शन है सॉवरिटी एंड इंटीग्रिटी के बेसिस पे किस चीज़ के ऊपर लगाया जा सकता है, तो ये ए आंसर होगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो आर्टिकल 19 के अंदर दे रखा है कि हम इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं टू क्लॉज के अंदर, है ना, कि कहाँ कहाँ पे हम रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन कब लगा सकते हैं, तो वो चीज़ है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनमें से तीन स्टेटमेंट दे रखी है, इन तीनों में से कौन कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, गलत बात बोल रहा है जी, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, हाँ जी सही बात बोल रहा है, लार्जली बेस्ड ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, हाँ जी सही बात बोल रहा है, तो यानी कि सेकेंड एंड थ्री ठीक है, तो मतलब इसका आंसर बी होगा। डेमोक्रेसी एंड फेडरलिज्म आर एसेंशियल फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड बेसिक फीचर ऑफ इट्स स्ट्रक्चर, दिस ऑब्जर्वेशन वॉज मेड इन एस आर भवानी केस बाई, कौन से जस्टिस ने ये जो बात है ये एस आर भवानी केस के अंदर बोली थी, तो ये बात जो है हमें जस्टिस पी बी सावंत ने बोली थी एस आर भवानी केस के अंदर, ये ऑब्जर्वेशन जो थी। द टेक्स्ट ऑफ प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्स टू सिक्योर फंडामेंटल राइट टू ऑल सिटीजन्स, फंडामेंटल ड्यूटीज टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, या सिक्योरिटी ऑफ सर्विस टू गवर्नमेंट सर्वेंट। तो जो प्रीएम्बल है उनके जो टेक्स्ट हैं वो किस चीज़ को सिक्योर करने की बात करते हैं, तो वो डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन को करने की बात करते हैं, सिक्योर करने की बात करते हैं। इन तिनसुकिया इलेक्ट्रिसिटी कंपनी वर्सेज स्टेट ऑफ असम, द सुप्रीम कोर्ट पॉइंटेड आउट दैट द टर्म सोशलिस्ट यूज इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मीन स्टेट हुज बेसिक पॉलिसीज, तो ये जो सोशलिस्ट वर्ड है इस केस के अंदर क्या बोलने की कोशिश की थी कि इस वर्ड का मतलब क्या है, प्रोहिबिट कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड डिस्ट्रीब्यूट इक्विटेबिलिटी द नेचुरल रिसोर्सेज, प्रोहिबिट इक्विटेबली द नेचुरल रिसोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूट इक्विटेबली द नेचुरल रिसोर्सेज, प्रोहिबिट द कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड अपलिफ्ट द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल। तो सीधी सी बात है यहाँ पे ये सी ऑप्शन ठीक होगा, डिस्ट्रीब्यूट इक्विटेबली द नेचुरल रिसोर्सेज, ये बात बोली गई थी। द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सिक्योर जस्टिस लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी टू ऑल पर्सन्स, दोज हु रिजाइड विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ऑल सिटीजन्स, या दोज हु रिजाइड विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, ऑल सिटीजन, सभी सिटीजन्स को ये जो प्रियम्बल है हमारी बात देने की करता है। देन क्वेश्चन 24, जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इज गारंटीड बाय फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, गारंटी टू द पीपल बाय रिट्स इश्यूड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, एन आइडिया इंश्राइन इन द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी टेकन इन अकाउंट ऑफ मेकिंग एनेक्टमेंट्स। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, इसका क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होगा सी, एन आइडिया इंश्राइंड इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 25th क्वेश्चन पे आते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द टर्म सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म के रिगार्डिंग आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। सेक्युलरिज्म मीन्स दैट स्टेट हैज नो रिकॉग्नाइज रिलीजियंस ऑफ स्टेट, सेक्युलरिज्म मीन्स दैट स्टेट ट्रीट ऑल द रिलीजियंस इक्वली, सेक्युलरिज्म मीन्स दैट स्टेट रेगुलेट द रिलेशन ऑफ मैन विद गॉड, तो ये नहीं करती स्टेट, है ना, तो यानी कि वन एंड टू स्टेटमेंट ठीक है, तो मतलब इसका आंसर बी होगा। द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज बोरोड फ्रॉम, ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल का कंसेप्ट है हमने कहाँ से बोरो किया था, ये हमने आयरलैंड से बोरो किया था, और आयरलैंड ने भी आगे कहीं से बोरो किया था, कौन सी कंट्री से, स्पेन से। देन इंडिया हैज़ बोरोड द स्कीम ऑफ फेडरेशन दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट फ्रॉम द कंट्री, तो ये जो यूनियन ऑफ स्टेट्स का कंसेप्ट है हमने कौन सी कंट्री से अडॉप्ट किया कि हम जो है यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं एक तरीके से, तो ये जो कंसेप्ट है हमने कैनेडा से अडॉप्ट किया। देन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट दैट इन एनी इवेंट वट एवर द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वी मे एस्टेब्लिश हेयर मस्ट फिट विद द टेम्पर ऑफ द पीपल एंड बी एक्सेप्टेबल टू देम, तो इनमें से किसने ये बात बोली थी कि किसी भी तरीके का हम यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ सिस्टम एस्टेब्लिश करें लेकिन वो किस कैसी होनी चाहिए, फिट विद द टेम्पर ऑफ द पीपल, कि वो टेम्पर ऑफ द पीपल के साथ फिट होनी चाहिए और उनको एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, तो ये बात किसने बोली थी, ये हमसे यहाँ पे पूछा है, तो ये बात जवाहरलाल नेहरू ने बोली थी। देन 29, इज द प्रीएम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, स्टिल द क्वेश्चन इज टू बी डिसाइड बाय द कोर्ट, नन ऑफ द अबव, तो यहाँ पे हमारा आंसर ये होगा, इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। द फ्यूचर पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज बोरोड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, ये जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है ये हमने कौन सी कंट्री से अडॉप्ट किया, तो ये हमने यूएसए से अडॉप्ट किया कि जो हम जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। देन हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द फंडामेंटल राइट सिक्योर टू द इंडिविजुअल आर लिमिटेड टू स्टेट एक्शन ओनली, मेन टू प्रोटेक्ट पर्सन अगेंस्ट द कंडक्ट ऑफ प्राइवेट पर्सन, मेन टू प्रोटेक्ट पर्सन अगेंस्ट द पुलिस एक्शन, या ऑल द अबव आर करेक्ट, तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिक्योर किए गए हैं इंडिविजुअल के, वो कहाँ किस चीज़ के लिए किए गए हैं, लिमिटेड टू द स्टेट एक्शन ओनली। देन द टर्म अदर अथॉरिटीज इज गिवेन अंडर आर्टिकल 12 इंक्लूड, ये जो अदर अथॉरिटीज टर्म है ये किस चीज़ को इंक्लूड करती है,
ये हमसे यहाँ पे पूछ रहे हैं। तो ये जो टर्म अदर अथॉरिटीज हैं, तो ऑल अथॉरिटीज आर क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और स्टैट्यू एंड अ पर्सन ऑन होम द पावर्स आर कन्फर्ड बाय लॉ, इन सभी के ऊपर ही अदर अथॉरिटीज वर्ड अप्लाई हो जाता है और ये स्टेट की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द कंसेप्ट ऑफ द स्टेट अंडर आर्टिकल 12, इनमें से कौन से जो है, इन चारों में से कौन सा जो है वो स्टेट की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड होगा आर्टिकल 12 के अंदर। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव आर इंक्लूडेड इन टू द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन स्टेट फॉर द पर्पस ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स कैन नॉट बी इशूड फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, इनमें से किसके अगेंस्ट आप रिट इशू नहीं कर सकते एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट के। तो इसके अगेंस्ट भी कर सकते हो, इसके अगेंस्ट भी कर सकते हो, इसके अगेंस्ट भी कर सकते हो, लेकिन हाई कोर्ट के अगेंस्ट नहीं कर सकते। देन इन द लाइट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट स्टेट, तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, इसमें से आपसे आपने बताना है कि कौन सी स्टेट नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो है वो स्टेट की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, प्रार्थना बैंक, ये सब इंक्लूड होगा, ये इंक्लूड नहीं होगा। इसका आंसर बी होगा। फॉर द पर्पस ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड अथॉरिटी मस्ट कम विद इन द डेफिनेशन ऑफ स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट स्टेट, ONGC, इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन, NCERT या केरला लेजिस्लेटिव असेंबली। सीधी सी बात है, NCERT जो है वो इंक्लूड नहीं होता स्टेट की डेफिनेशन के अंदर। देन इन द लाइस में भी यही बताना है कि कौन सा इनमें से स्टेट की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होता। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन सोसाइटी जो है वो स्टेट की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होगी। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, यहाँ देखते ही पता चल रहा है NCERT जो है वो इंक्लूड नहीं होगा। देन इन विच इंडियन केस इट बी इंपोर्टेड दैट अ मेंस लिबर्टी ऑफ मूवमेंट इज रिगार्डेड सो हाईली बाय द लॉ ऑफ इंग्लैंड दैट इट इज नॉट टू बी हिंडर्ड और प्रिवेंटेड एक्सेप्ट ऑन द श्योरेस्ट ग्राउंड, कि आप लिबर्टी की बात की जा रहे हैं कि एक मैन की लिबर्टी को आप नहीं रोकोगे जब तक कि आपके पास कोई श्योरेस्ट ग्राउंड ना हो आर्टिकल 12 के अंदर। कौन से केस के अंदर ये बात बोली गई थी, तो इस चीज़ के लिए फेमस केस ही है ये। इस केस का नाम क्या है, मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस डिज द सुप्रीम कोर्ट होल्ड दैट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल 368 वॉज लॉ विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13, की कौन से केस के अंदर ये बात बोली थी कि जो आर्टिकल 368 के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाता है वो भी लॉ की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड होगा। तो ये बात बोली गई थी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस के अंदर। द टर्म स्टेट मेंशन इन आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स ऑल्सो, तो इनमें से कौन सा स्टेट की डेफिनेशन में होगा, जैसे अभी पीछे क्या कर रहा था नहीं होगा पूछ रहा था ना, यहाँ पे पूछा है कौन सा होगा। तो यहाँ पे LIC जो है वो स्टेट की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड होगा। द टर्म लॉ इन फोर्स इन क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 13 मीन्स, ये जो लॉ इन फोर्स है आर्टिकल 13(3) के अंदर, इसका मतलब क्या है, स्टेचुटरी लॉ, कस्टम एंड यूसेज ओनली, बोथ ANB या न्यूली फॉर्म पब्लिक ऑर्डर ओनली। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, बोथ ANB, ओनली स्टेचुटरी लॉ एंड कस्टम एंड यूसेज ओनली। अंडर आर्टिकल 13(1) प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बिकम्स कम्प्लीटली वॉइड, नॉट वॉइड, बिकम वॉइड, नन ऑफ द अबव। तो सीधी सी बात है, अगर हम प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज को देखें तो वो बिकम वॉइड फ्रॉम द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन सो फार एज दे आर इनकन्सिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट, जितने वो इनकन्सिस्टेंट है उतने लेवल तक वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हट जाएंगे, बाकी वो एप्लीकेबल रहेंगे। आर्टिकल 13(2) इंक्लूड्स न्यू लॉ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, डज नॉट इंक्लूड लॉ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट दैट स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे एब्रिजेस द फंडामेंटल राइट या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, स्टेट दैट द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और एब्रिज द फंडामेंटल राइट्स, 13(2) ये बात बोलता है। द फंडामेंटल राइट्स हैव रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, हैव नो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट अंडर आर्टिकल 13(1) और 13(3)(b), हैव ओनली फ्यूचर इफेक्ट या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे हमारे 45 का आंसर क्या होगा, हैव नो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट अंडर आर्टिकल 13(1) और 13(3)(b). इन केशवानंदा भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला इट वॉज हेल्ड अंडर द अमेंडमेंट आर्टिकल 368 ऑल द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग दोज एनश्राइंड इन फंडामेंटल राइट कुड बी अमेंडेड, फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड, फंडामेंटल राइट्स हैव द प्रीमेसी एंड सुप्रीमेसी देन एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, अंडर द अमेंडमेंट आर्टिकल 368 ऑल द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग दोज एनश्राइंड इन फंडामेंटल राइट कुड बी अमेंडेड। तो इसका आंसर ए। आर्टिकल 14 गारंटीज इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ टू ऑल पर्सन लिविंग विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ऑल सिटीजन लिविंग इन इंडिया, ऑल पर्सन डोमिसाइल्ड इन इंडिया, ऑल पर्सन नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, ये होगा ऑल पर्सन लिविंग विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आर्टिकल 14 लेज डाउन दैट स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। द एक्सप्रेशन एनी पर्सन मीन्स, तो ये जो एनी पर्सन है इस वर्ड का मतलब क्या हो जाता है, तो इस वर्ड का मतलब क्या हो जाता है, अ सिटीजन एंड नॉन सिटीजन लिविंग विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर ए होगा। एनी पर्सन अंडर आर्टिकल 14 डिनोट्स एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बोथ सिटीजन एंड नॉन सिटीजन, नेचुरल पर्सन एंड लीगल पर्सन। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे पहले ही ऑप्शन ठीक है, ए आंसर होगा।
गिव रिस्पॉन्स टू द स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विद रेफरेंस टू लॉ एनेक्टेड बाय लेजिस्लेचर, ऑर्डर पास बाय एग्जीक्यूटिव, नोटिफिकेशन इशूड बाय गवर्नमेंट या लॉ एनेक्टेड बाय लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हमारा आंसर डी होगा, देख के पता चल रहा है, सीधी सी बात है, यही है यहाँ पे। तो चलो यहाँ पे हमारे 50 हो गए, और करने चाहिए थे, बट यहाँ पे 50 तक ही करते हैं अभी। बाकी हम जो आगे नेक्स्ट एक और वीडियो बना लेंगे, या जो जितनी भी वीडियोस होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के और बाकी लॉस के भी, ताकि आपकी जो भी आने वाले एग्जाम्स हैं उसके अंदर हेल्प हो, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो, और आप अपने एग्जाम्स अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएँ। तो आई होप इस वीडियो के अंदर आपको हेल्प हुई होगी कुछ ना कुछ एमसीक्यूज करने में, आपकी नॉलेज जानने में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी इस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।